अगर गाय हमारी माता है तो उसके हत्यारों को फांसी कोई और क्यों देगा भाई? ये क्या हिजड़ों जैसी बातें हैं? अगर गाय माता है तो भाई बदला खुद लो, और गाय की हत्या उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन आप जो लोग गाय को खाते हैं उन्हें खाना शुरू कर दो, उसके बाद गौ हत्या होगी नहीं। जो हमारी माँ का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो हमारा दुश्मन है तो उसका वध कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय कार्जू ने गो हत्या पर संभावित प्रतिबंध के विरोध में उतर आए हैं। वो क्या कहा है आपको दिखाते हैं। लिखा है कि दुनिया में ज्यादातर लोग गोमांस खाते हैं, क्या वो सब पापी हैं? मैंने तो देखी साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, एक जानवर है। और दुनिया खाती है गाय बीफ, अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज़ नहीं है? दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। वो कहते हैं कि साहब गाय माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को, तो भाई बकरी भी देती है दूध पीने को, भैंस भी देती है, वो ऊँट का भी पीते हैं लोग दूध, तिब्बत में याक का पीते हैं, वो सब देवी देवता हैं। पागलपन की बातें, बेवकूफ़ी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा, मैं गधे का इलाज नहीं है मेरे पास। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफ़ी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है वैसे, उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ। आप हिंदू है ना? बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए, सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा, युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरण देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल दूध की बात कर रहे हैं सर। आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसेरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजीपाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरण, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मजाहब से प्रसन्न हुए, मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में,
और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं। इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ हाँ, जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद आज साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंस में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मी लॉर्ड, कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है, तो आपको आपके मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए, तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं, ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे हैं, तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। इसीलिए मैं हवाले देता हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिबे इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं, तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है, तो घर पे जाके चेक कर सकता है या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा।